Hello everyone, welcome to our YouTube channel, My View My Channel, in association of Teaching Point. Like, subscribe, comment, visit our website www.teachingpoint.org.in. Section B, JEE Mains 2023, January Attempt, First Shift, 24 January 2023. 24वां क्वेश्चन पढ़ रहे हैं हम. देखिए, इसको डिस्कस करेंगे अभी हम यहाँ पे. देखो, क्वेश्चन है, 5 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड वाज डिसॉल्व्ड इन डीआयनाइज्ड वाटर टू प्रिपेयर अ 450 ml स्टॉक सॉल्यूशन. व्हाट वॉल्यूम ml में हमें आंसर देना है ऑफ दिस सॉल्यूशन वुड बी रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 500 ml ऑफ 0.1 मोलर सॉल्यूशन. तो सबसे पहले जब हम ये क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे गिवन. तो गिवन में हमें क्या दे रखा है, वेट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड दे रखा है, दैट इज 5 ग्राम. हमें कैलकुलेट करना है मोलर मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड. आपको पता है सोडियम का एटॉमिक मास कितना दे रखा है, 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, टोटल वैल्यू आएगी 40 ग्राम. अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, मोलैरिटी का फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज वेट अपॉन मोलर मास इनटू 1000 अपॉन वी इन ml. यहाँ पे जो वॉल्यूम हमें गिवन है क्वेश्चन में वो है 450 ml. तो वैल्यू पुट करो, 5 / 40 इनटू 1000 / 450 ml. जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करके हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.278 मोलर. तो इनिशियल अगर हम बात करें मोलैरिटी, दैट इज m1, वो कितनी आई है हमारे पास, दैट इज 0.278. इसका वॉल्यूम हमें निकालना है, कितना वॉल्यूम हमें डालें कि जो फाइनल मोलैरिटी है दैट इज 0.1 मोलर, और वॉल्यूम इसका दे रखा है 500 ml. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2. वी हैव टू कैलकुलेट v1, तो वैल्यू क्या होगी, m2 v2 अपॉन m1. वट इज द वैल्यू ऑफ m2, दैट इज 0.1. वैल्यू ऑफ v2, दैट इज 500. वैल्यू ऑफ m1, 0.278. तो यहाँ पे जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन करके हमारे पास वैल्यू आ रही होगी 179.8 ml, जिसको हम अप्रोक्सीमेटली 180 ml लिख देंगे. तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर हमारा आएगा, दैट आंसर विल बी 180 ml. इज दैट पॉइंट क्लियर?